तो टॉपिक आपका क्या है? संघीय कार्यपालिका बोले तो फेडरल, संघीय कार्यपालिका बोले तो फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में संघीय कार्यपालिका अर्थात फेडरल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत राष्ट्रपति, अभी कौन है जी राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद पर फोकस नहीं करेंगे, इस पद पर फोकस करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो शक्ति है वो विधायी शक्ति के अंतर्गत किन किन बातों पर फोकस करेंगे। और आपके एग्जाम में किस तरह के आप देखोगे, किस तरह के आपके देखोगे कि पीटी लेवल एग्जाम बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम या डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो अब ये बताइए कि पीटी लेवल एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, कि निम्न में से कौन सी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति से रिलेटेड है या नहीं। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहते ही रहते। कुछ सबका पता, सबका पार्ट बांट दिया गया और सबका तरीका बांट दिया गया। आपको नॉर्मल जनरल एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मतलब ये वही बात हो गई आप जब जूनियर थे और अब सीनियर हैं। तो बताइए उस समय बात करने की शैली और तरीका और आपके बात करने की शैली तरीका में अंतर है या एकदम अंतर है। स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा बदमाशी करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी बदमाशी क्या करते थे, लेकिन अभी सीनियर हो गए तो बात को समझते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है लाइफ में और क्या। तो उसके लिए कॉपरेशन बहुत जरूरी चीज है। अगर सफलता अगर प्राप्त करोगे तो मेरा तो पूरा सहयोग है, मेहनत है उसमें आपका भी मेहनत पूरा सहयोग होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलेंगे और सफलता का डंका बजाने का काम करेंगे। तो आप देखोगे विधायी शक्ति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन तो जो बता रहे हैं वो यूट्यूब में भी डाल देते हैं, तो वहां से क्वेश्चन, जैसे अभी आप नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, तो जो यूट्यूब में डाल दे वहां से आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन लिखे और हमें हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम वाले हैं वो हमें लिख कर दिखाएंगे कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है परिभाषित करें क्या जी, हो सकता है कि नहीं। तो आप देखोगे कि इसकी विधायी शक्ति पर अगर फोकस करें, अच्छा विधायी शक्ति है ना, तो विधायी फाइनेंशियल पावर नहीं, लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि इससे पहले हम वो बताए थे, हाँ ये वित्तीय शक्ति फाइनेंशियल पावर बता दिए थे, ये आपका क्या विधायी शक्ति है बोले तो लेजिस्लेटिव पावर। तो आइए बने रहते हैं और सुने ध्यान से, क्योंकि क्लासरूम में ही आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन, याद रखने का काम करेंगे। राष्ट्रपति संसद का एक प्रमुख अंग है भैया, है या नहीं? भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति। विधायी शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति। नाम मात्र नॉमिनल राष्ट्रपति मेंबर कौन? राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास? राष्ट्रपति। आपातकालीन शक्तियां किसके पास? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति संसद का एक प्रमुख भाग है, यही कारण है कि विधायी क्षेत्र लेजिस्लेटिव सेक्टर लो सेक्टर का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित है, केंद्रित है। अब ये मतलब नहीं समझना कि पाकिस्तान वाला आक्रमण किया तो हम राष्ट्रपति बोल दिए भैया मारो बेटा जो होगा देख लेंगे, नहीं। जब तक तो ये पूरा प्रोसेस बनाया गया है कि जब तक हम लोग कैबिनेट में मंत्री लोग बैठकर बैठक ना कर ले, आप अपने पेशेंस में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा काम हमारा क्या है? मित्रता को बनाए रखना। अरे समझ में जी क्या कहना चाह रहे, मित्रता को बनाए रखना। संसद के दोनों सदनों की बैठक आहूत करना, आहूत करना मतलब बुलाना, कॉल करना, तथा सत्रावसान करना मतलब उसका सेशन स्टार्ट करना, ठीक है। राष्ट्रपति का लाइबिलिटी होता है, तो आप कोई भी एग्जाम देते हो ना इस लाइन में, देखो हम दोनों एग्जाम पर फोकस करते जा रहे हैं, सब तरह का ये क्वेश्चन यहां से जरूर रहता है। सदनों के दो लोकसभा की बैठक को कौन बुलाए? राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन बोले, देखिए कैसे फंसा गया एग्जाम,
संसद के लोकसभा को बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यसभा के बैठक को कौन बुलाए? समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे? तो राष्ट्रपति, क्योंकि मैंने यहां बोल दिया दोनों सदन, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोले तो आप देखोगे क्या होगा जी, लोकसभा राज्यसभा। अब प्रेसिडेंट सदन में नहीं आते हैं, याद रखोगे। अगर बोले संसद के कितने पार्ट, तो तीन बोलना बाबू, लेकिन बोलते कितने सदन, सदन मतलब हाउस, तो दो हाउस। इन दोनों का कभी भी बैठक है तो कौन बुलाए? प्रेसिडेंट बुलाए। सेशन कौन स्टार्ट कराए? तो प्रेसिडेंट का। तो उसी को हिंदी में कहते आहूत करना, बुलाना, सत्रावसन करना, मतलब सेशन को स्टार्ट करना। और उसके बाद सेशन स्टार्ट करने के बाद प्रेसिडेंट कितने देर उसकी बैठक में बैठ सकते हैं, एक घंटा या पूरा दिन भर, कितने देर बैठ सकते हैं? आंसर दीजिए, कितने देर? बोलो जी, सृष्टि आपका नाम जी, प्रभा, बोलो जी कितने देर? तो याद रखना, कभी भी प्रेसिडेंट किसी भी बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बुलाएंगे, सेशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं जरूरत पड़ने पर भी नहीं जी। वो लाइबिलिटीज है, देयर इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि समय समय पर टू इन्फॉर्म टाइम टू प्रेसिडेंट रिलेटेड टू कमिटी, रिलेटेड टू मीटिंग। नहीं, अच्छा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी, अब देखो संयुक्त, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है जी, सब चीज, संयुक्त बैठक क्या होता, जॉइंट सिटिंग क्या होता, वो चर्चा करेंगे आगे, ठीक है? तो फिलहाल फोकस करें, अच्छा, संयुक्त बैठक भी किसके द्वारा क्या बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो सबसे पहला ना पॉलिटी, सही में पॉलिटी टाइप का, जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिलैक्स मूड में रहोगे बड़ा मजा आएगा समझने में, और इंटरेस्ट भी। बहुत सारे लोग है ना आर्ट्स लेते पॉलिटिक्स नहीं लेते, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेंगे पॉलिटिक्स नहीं लेंगे, बोले नहीं बुझाता नहीं भैया, कई बार पॉलिटिक्स चलता मार्केट में, तो नहीं, वहां पर उसको समझना, फील करना। और सबसे ज्यादा इजी तो पॉलिटिक्स है जी, क्यों? क्योंकि सब जगह दिखता है, घरों में दिख लेता है, गोतिया लोग के बीच में भी दिख लेता है, सब जगह दिख जाता है। बोलो जी। नहीं, तो इसका मतलब ज्वाइंट सिटिंग भी कौन बुलाया है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद तथा नए वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अरे समझ में क्या कहना चाहिए? तो प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद और नए वर्ष प्रारंभ के में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता। तो यहाँ पर, यहाँ से सवाल कि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति कब कब आहूत करेंगे, संबोधित करेंगे? तो पहला इलेक्शन के बाद, दूसरा न्यू ईयर जब शुरू होते हैं उस सिचुएशन में, और भी कंडीशन है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है? तो बता, हाँ, वो ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सिटिंग, तो बता सकते हो इसके बारे में? बताइए तो थोड़ा सा कि जी, तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब हल्का सा समझ जाइए कि मान लीजिए गांव समाज में दो परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वहां का मुखिया या वहां का जो मेन होता दोनों को बैठा के, तो संयुक्त का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट मतलब दो दल, दो परिवार, दो बैठक, वो संयुक्त बैठक सब जगह दिखता। संसद में मत देखो, घर में देख लो ना, दो भाई के बीच लड़ाई हो गया, दो गोतिया के बीच लड़ाई हो गया, तो दादाजी आते हैं, तो दादाजी यहाँ प्रेसिडेंट हो गए। नहीं, हाँ जी, कहा भाजी, अच्छा ऐसा सा लफड़ा हुआ, चलो ठीक है, चलो इसको विवाद को दूर करो। कभी कभी थाना में देखोगे जो अच्छे थानेदार होते हैं ना, कभी कोई केस आता है ना, सबसे पहले केस रिपोर्ट करने से पहले उन दो दलों के बीच आपस में बैठाते हैं, उसके बाद उन दोनों के विवाद को दूर करते हैं। बताइए, ये एक अच्छे दारोगा नहीं, एक अच्छे इंसान की पहचान है कि नहीं? लेकिन तो कहने का मतलब कि आप जिस पद पे जाओगे ना बाबू, ये मत सोचो कि पैसा लूटना है, नहीं, ये सोचो कि नहीं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज के लिए, हम उस पद को लेने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि जहां दो गो दस गो लोग हैं वहां पर विवाद होते हैं, तो संयुक्त बैठक होती है। तो अब बताइए, सदन में अगर बात करें तो ये बताए लोकसभा में कितने मेंबर? 552 मेंबर। राज्यसभा में कितने मेंबर? 250 मेंबर। अब बताइए, तो क्या जाहिर सी बात इन दोनों के बीच विवाद होगा कि नहीं होगा?
तो विवाद होगा तो उस विवाद को दूर करने के लिए कौन आएंगे? प्रेसिडेंट। इसका मतलब तीन कंडीशन हो गया संयुक्त बैठक का। पहला, कोई विवाद हो तो दूर करने के लिए। अब विवाद क्या होगा वो आपने सही कहा, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि खींचेंगे ना तो फिर हम अपने पॉइंट से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं समझे विवाद को दूर करने के लिए। दूसरा, कभी इलेक्शन के बाद। और तीसरा, सेशन मतलब हर नए साल में शुरू किया जाता, मतलब वही बात होगी, नए मतलब कि कभी भी कोई मीटिंग शुरू होने से पहले, नए साल से पहले आपस में लोगों को मिलाप कर दो कि आपस में आप किस लिए इस पद पे, तो जनता के हित के लिए है, जन कल्याण के लिए है। तो जो भी आप सेशन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जो भी आपके पास बिल पारित होते हैं, जो भी मुद्दे आते हैं, तो हिसाब से आप लोग सोच कर काम करेंगे। इसलिए कोई भी मुद्दे सालों साल क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो जनहित जन कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित संदेश पर सदन को विचार करना आवश्यक है ना जी। और ज्ञातव्य है मतलब मालूम है कि अभी तक राष्ट्रपति ने एक बार भी सदन को कोई संदेश नहीं भेजा है। आई समझ में? तो जो भी है भैया, नहीं भेजा, लेकिन ये ये हमारे संविधान में ये सबका लिखित विवरण देखने को मिलता है। अच्छा, और ना ही औपचारिक संबोधन के अतिरिक्त कभी सदनों की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और ना अकेले किसी सदन को संबोधित किया। आपको दे दिया गया राइट, लेकिन अभी तक नहीं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक के संबंध में अपने विचारों से प्रधानमंत्री को अवगत करा सकता है, जो कि कभी भी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री टाइम टू टाइम राष्ट्रपति से मिलते हैं। किस लिए? कि हुजूर बैठक में बात हुई और इन इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब राष्ट्रपति तो बैठक में भाग नहीं लेती है, सो कैसे पता चले? आर्य समझ में जी, क्या नाम गया आपका? प्रभा। आर्य समझ में, ठीक है। इससे क्वेश्चन होते ही होते हैं, कभी आप एग्जाम दिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं दिए तो समझ के चलिए। तो आप देखोगे, राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक के संबंध में अपने विचारों से प्रधानमंत्री का अवगत करा सकता है और मालूम है। तो यहां पर समझ में आया जी कि राष्ट्रपति को मीटिंग के बारे में कैसे पता चले? तो इट्स ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि टाइम टू टाइम आप इन्फॉर्म करें। तो राजेंद्र प्रसाद ने हिंदू कोड बिल के संबंध में नेहरू को अपने विचार प्रसित किए थे। तो इस तरह का मामला ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर देखने को मिला है तो एक मिला होगा किसके समय में? राजेंद्र प्रसाद के समय में। तो अब आपका यहां से देखो, यहां से कितने तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला, मेरे साथ आप लोग आंसर देने का काम जरूर कर सकते हैं, जैसे है ना, मन में देंगे उसको हम आंसर रिपीट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। पहला, संसद का प्रमुख अंग कौन? दोनों सदनों की बैठक कौन करे? सत्रावसान या सेशन शुरू कौन करे? संयुक्त बैठक को कौन बुलाए? अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है या नहीं है, लेकिन अब तक कितने बार भेजा जा चुका है? 1, 2, 3, 4, एक बार भी नहीं। तो एक बार भी नहीं। अच्छा, प्रेषित यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री को, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताया जी, किसी भी मामले को लेकर, किसी भी विधेयक को लेकर राष्ट्रपति अपने विचारों से प्रधानमंत्री को अवगत करा सकते हैं। तो ऐसा मामला एक देखने को मिला किसके समय? राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन? नेहरू। तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, किस विधेयक, किस बिल को लेकर? तो हिंदू कोड बिल को लेकर, ठीक है, हिंदू कोड बिल को लेकर। अब क्या है यहां पर, विधायी शक्ति हमें कुछ पॉइंट पर फोकस करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक बोले तो बिल तथा नए राज्यों का निर्माण या पहले से विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, जैसे बताओ बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, यूपी से उत्तराखंड का और एमपी से छत्तीसगढ़ का, तो क्या वो नए राज्य का निर्माण हुआ या नहीं हुआ?
या आप देखोगे किसी राज्यों की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना है उस बात को लेकर हुआ या नहीं हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में देखने को मिलेगा कि नहीं? जी। तो धन विधेयक विधायी शक्ति राष्ट्रपति के। भारत के संचित निधि, संचित निधि बोले तो कॉन्सोलिडेट फंड, इस पे चर्चा किया गया है। इससे जो व्यय विधेयक होंगे एक्सपेंसेस बिल आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। मतलब सर अनुमति से पहले ही किए जाते हैं, मतलब आप तो कहने का मतलब क्या पता है? कहने का मतलब कि पहले से ही लोगों राइट्स दिया जा चुका होता है। तो देखो कभी भी अगर सवाल पूछे कि बताओ कोई भी बिल जो पास होता है वो राष्ट्रपति के बाद कब जाता है? बाद में जाता है। बात तो समझिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर धन विधेयक के साथ नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या संचित निधि से फंड से अगर खर्चा विधेयक अगर है, तो ये सब ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के अनुमति से, पूर्व अनुमति से पहले ही पेश किए जाते हैं। विधि निर्माण के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब कि मान लो जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो एचआर एकेडमी में, तो जो लोग आप लोग जैसे अब आप लोग को अनुमति दी गई है कि हाँ क्लास इतना इतना बजे स्टार्ट हुआ, तब ना आके घुस गए, अनुमति लेने की जरूरत पड़ा नहीं, बोला जी बैठ जाओ। लेकिन हाँ बहुत सारे क्लास में इन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, बचे हुए हैं। तो बात को समझिए क्या कहना चाह रहे। तो यहां पर भी यही कंडीशन है, बाकी बिल को आपको विधायी उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से, लेकिन कुछ जो है पहले से ही राष्ट्र दिया जा चुका होता है। आप पहले काम कर लीजिए ना, आराम से भेजिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप तभी ले सकता है, मतलब एक्ट कब बनेगा, कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, जब उसे राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे। और उल्लेखने की राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प, कितने ऑप्शन? तीन ऑप्शन। पहला, विधेयक पर हस्ताक्षर कर दो। मान लीजिए ना हम राष्ट्रपति है और आप लोग क्या है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर है, कोई भी बिल मेरे पास भेजोगे तो मेरे पास तीन ऑप्शन है, क्या? साइन कर दो, भेज दो, जाल जो। दूसरा, विधेयक को बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। तो यहां से सवाल कि कभी भी किसी बिल को राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो एन एन बोले तो नो, नहीं कर सकते, पहला कंडीशन नहीं कर सकते, ठीक है, ले जा लेना चाहिए, ले जाओ कभी भी नहीं। हाँ उसको अगर अब बोलेंगे यस, देखिए यस, तो यस कब? उसको पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, जी ये सब बात को बहुत अच्छे तरह समझना है। बोले ना कि एग्जाम दोगे ना जी, आप जाना हुआ क्वेश्चन गलत मार के आओगे, क्यों? तरीका है वहां पर पूछने का, तरीका में बदलाव। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने बार वापस कर सकता है, ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे ऑप्शन पे फोकस करना, नन ऑफ दीज अगर नहीं है तो एक बार, अगर है एक ऑप्शन की एक बार भी वापस नहीं कर सकता है तो एक बार भी वापस नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ऑप्शन रहे कि पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। बात को समझ आ रहा है क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज है। तो यहां पर आप सेटर के सामने नहीं हो, लेकिन आपके क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड को पढ़ने का काम कर लिया जा रहा। बोलिए, यही चीज तो होता है, जैसे जैसे आप लाइफ से अनुभवी होते जाते हैं आप धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक भी होते चले जाते हैं। क्या आपके घर में डॉगी है, बिल्ली है, क्या आप उसके मन की बातों को समझ जाते हैं कि नहीं समझ जाते? सोचिए, तो जब घर के कुत्ते बिल्लियों की बात को समझ जाते हैं तो लोगों की बातों को और आपके जो लिखित विचारों को देखकर ही समझने का काम कर जाएंगे कि नहीं? समझाए क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहला नहीं कर सकते, करेंगे तो पुनर्विचार के हेतु, ठीक है? मतलब वही होगी, रिजेक्ट नहीं करेंगे,
लेकिन आप इस पर विचार कर लीजिए, विधेयक पर, और वो नहीं बोल सकते हैं कि हम इसको रिजेक्ट, इसको हम एक्सेप्ट करते, वो नहीं बोल सकते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते ही नहीं बोल सकते, मतलब पुनर्विचार, इसको पुनर्विचार कर लीजिए वर्मा जी, वो भी पुनर्विचार करवा दीजिए। तो तीसरा, विधेयक पर ना ही हस्ताक्षर करे और ना ही पुनर्विचार करने के लिए वापस ही करे। तो पहला कंडीशन हस्ताक्षर कर दो, दूसरा पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, तीसरा बिल आ गया है उस पर साइन नहीं किए हैं और पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं भेजे हैं। तो यहां पर आपके एग्जाम होंगे पीटी लेवल की, पता है इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है, कौन सा कथन सही है या नहीं है, ठीक है। तो